जनाबे वाला, सैकड़ों और हजारों अरब बल्कि टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल पे दफाई बजट पे खर्च किए, और दास्तान क्या है 48 65 71 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन पांच जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इम्प्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। कौम एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रही है, कौम जाहिल है, मुफलिस है, गरीब है, पानी का पीने का पानी नहीं मिलता, अगर पीती है तो उसको गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है, उसको हाइपेटाइटिस ए और बी और सी होता है। और जिस तरह मेरा भाई चौधरी मंजूर कह रहा था कि गरीबों के लिए किताबें और हैं, अमीरों के लिए किताबें और हैं, अमीरों के लिए अस्पताल और हैं, गरीबों के लिए अस्पताल और हैं। अगर ये वेलफेयर स्टेट है पाकिस्तान, मैं मानता हूं ये वेलफेयर स्टेट है, अगर ये वेलफेयर स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज के लिए वेलफेयर स्टेट है, पाकिस्तान के अवाम के लिए ये वेलफेयर स्टेट है। अगर ये गारंटी करती है क्रेडल टू ग्रेव वेलफेयर का, या गारंटी करती है उनकी तालीम का, उनकी हेल्थ का, उनकी अय्याशियों का, उनकी जायदाद का, उनके प्लॉटों का, उनके फ्लैटों का, उनके कोठियों का, तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक मखसूस तबका जिसने इस मुल्क के ऊपर 43 साल हुकूमत करते हो गए हैं और उनसे कोई आज तक सवाल नहीं पूछा किसी ने कि आप लोगों ने इन सालों में इस कौम का क्या बनाया है। बिगाड़ा जो कुछ है वो हमारे सामने है,